दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास सेवेंथ के हनीकॉम के एक पोएम जिसका टॉपिक है द शेड। दोस्तों द शेड का मतलब होता है कि जो हमारा मेन जो घर है उससे हटकर जो हम लोग एक कमरा बनाते हैं, जो हमारे जो मेन घर से थोड़ा दूर पे एक कमरा बनाते हैं जिसके अंदर अपना सामान हम लोग स्टोर करते हैं, या फिर उसे हम लोग दूसरे भाषा में कह सकते हैं स्टोर रूम। तो उसी में हम लोग जो सामान स्टोर करते हैं उसे हम लोग एक शेड कहते हैं। तो ये जो पोयम है ये इसी पे रिलेटेड है। इसमें जो एक लड़का है वो बताता है कि कैसे जो उसका गार्डन है उसके किनारे में एक जो शेड है, मीन्स उसी टाइप का स्टोर रूम है जिसके अंदर सामान रखा जाता है। और ये बताता है कि उसमें बहुत सारे जो मकड़ी हैं वो सब जाला बना के रखे हुए हैं, इसका मतलब कि वो बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है। और इसके ये बोलता भी है कि जिस तरह हवा चलती है वहाँ से, तो ऐसा लगता है कि जो हवा है वो एकदम धीरे धीरे चल रही है और उसमें एक टाइप का अजीब ही माहौल बना देती हो, मीन्स जो हवा है वो एकदम अजीब माहौल बना देता है। और ये उस समय बताता है कि जब ये घर के अंदर आता है तो उसे सुनने की कोशिश करता है कि क्या उसमें से कुछ आवाज़ आ रहा है उस घर में से। और ये सोचता है कि ये कभी ना कभी वो घर जो है उसके अंदर जाएगा और उसका डोर जो है वो ओपन करेगा। इसी में ये फिर बता रहा होता है कैसे वो जो घर है वो बहुत ही उसमें डस्ट है एकदम, और उसके जो शीशे हैं वो एक साइड का जो शीशा है उसमें बहुत सारे क्रैक आए हुए हैं। ये सोचता है कि कभी ना कभी वो उसके अंदर एक बार झांकेगा और उसके बाद देखेगा। तो एक दिन जब वो सोचता है कि जब वहाँ उसके अंदर वो झांकेगा तभी जो उसका भाई रहता है वो कहता है कि तुम ये जो शेड है इसके अंदर मत जाना क्योंकि इसके अंदर भूत रहते हैं, और जो ये भूत है ये फर्श जो बनाने का सामान रहता है उसी के पीछे वहाँ पर छुपा हुआ है, जहाँ पर ये फर्श बनाने का सामान रखा जाता है उसके पीछे ये छुपा हुआ है। और अगर तुम कभी भी गेट खोलते हो तो ये तुम्हारे जो हेड है सिर के पास आकर तुम्हारे जो गर्दन है उससे एकदम अलग कर देगा या फिर टुकड़ों में कर देगा। बट वो सोचता है कि नहीं, मैं कभी ना कभी उस जगह को देखूंगा। वो जिस तरह उसका भाई है उसको बताता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, बट वो फिर सोचता है कि नहीं मैं इसे कभी ना कभी देखूंगा। लेकिन अब वो मतलब वो सोचता है कि वो जान गया रहता है कि जो जो घर है जो शेड है वो उसके अंदर कोई भी भूत नहीं है, बल्कि उसका भाई उसको इससे डराता है कि वो दूर रह सके वहाँ से, क्योंकि जो उसका भाई है वो खुद उसके अंदर एक टाइप का बोल सकते हैं अलग से अपना प्राइवेट रूम बनाकर या फिर इसके अंदर अपना कुछ अलग ऐसा काम कर सके या फिर कुछ भी एक अलग कमरा उसने अपना बना के रखा हुआ था उसको, जिसके अंदर कोई और ना आ सके, इसलिए अपने भाई को वो डरा के रखता था। अब वो बताता है कि वहाँ पर जो उसको लगता है कि जैसे स्ट्रेंज जो नॉइज़ आते हैं उस घर के अंदर से वो और कुछ किसी और के नॉइज़ हैं, उसको हो सकते हैं कि उसके भाई के नॉइज़ हो। और वो सोचता है कि ऐसा नहीं है कि वो सब जो घोस्ट है वही मचा रहा हो, क्योंकि अभी सोचता है कि उसके अंदर कोई भी घोस्ट नहीं है, कोई भूत उसमें नहीं है। लेकिन वो अब बता रहा है कैसे कि जब वो ऑब्ज़र्व करता है कुछ दिन बाद, इसी तरह जब उसके सामने से टहल के जाता है ऑब्ज़र्व करता है तो ये देखता है कि जो स्पाइडर के जो जाले लगे रहते हैं वो अब उसमें नहीं रहते हैं। और वो सोचता है कि जितने भी स्पाइडर है वो वहाँ से मतलब जा चुके होते हैं या फिर किसी ने उसको हटा दिया रहता है। फिर वो एकदम पक्का हो जाता है कि हाँ इसके अंदर कोई भूत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर हल्का डर बना रहता है। तो वो उस दिन जाता नहीं है, मीन सोचता तो है कि उसमें भूत नहीं है बट वो उसके पास इतना हिम्मत नहीं होता है उसके अंदर जाने का, क्योंकि उसके पास कंफर्म नहीं रहता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि वो कभी ना कभी तो उस सेट के अंदर वो जाके रहेगा, लेकिन वो अभी नहीं जाएगा। इस तरह दोस्तों इस वीडियो में मेनली बताया गया कैसे जो लड़का है उसे घर में के सामने जो शेड है उसके अंदर उससे अजीब से आवाज़ सुनाई देते थे और उसे थोड़ा डर लगता था जब भी वो वहाँ से पास करता था, तो उसको अजीब लगता था कि कहीं उसके अंदर कोई है तो नहीं। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि उसके भाई ने जब उसे कहा कि उसके अंदर नहीं जाने के लिए, उसके बाद जिस तरह उसने ऑब्जर्व किया कि जो मकड़ी के जाले थे वो अब उसमें नहीं हैं, तो वो सोचता है कि कोई ना कोई इसे हटाया होगा तभी वो हटे होंगे। इस कारण उसे लगता है कि जो उसका भाई है वही उसको अपना एक अलग घर टाइप में या फिर अलग से एक प्राइवेट रूम टाइप में बनाना चाह रहा है, जिसके कारण वो कोई भी उसमें एंटर ना कर सके, इसलिए वो उसे डरा के रखता है घोस्ट के नाम पे। तो दोस्तों मेनली इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।